हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। मैं अनिल के शर्मा। आज इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स के कुछ और कमांड्स को देखेंगे। मूव कमांड, तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में मूव कमांड का क्या यूज है। तो इट रीनेम्स ए फाइल। तो मूव कमांड से हम किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। इट रीनेम्स ए डायरेक्ट्री। इस कमांड से हम किसी डायरेक्टरी का भी नाम चेंज कर सकते हैं। इट मूव्स ए ग्रुप ऑफ फाइल टू ए डिफरेंट डायरेक्टरी। अगर हम किसी एक डायरेक्टरी में एक साथ दो तीन चार पाँच टेक्स्ट फाइल को मूव करना चाहते हैं तो वो भी हम इस कमांड से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे मूव कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको जाकर के टाइप करना है एमवी, मूव कमांड को टाइप करना है, और उसके बाद जिस फाइल के नाम को चेंज करना है वो फाइल लेनी है, chap01। मैं इस फाइल के नाम को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस फाइल को यहाँ पे लिया है। और उसके बाद इस फाइल chap01 नाम के फाइल को मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, तो वो नाम मुझे आगे देना है, तो मैंने मनोज नाम दिया है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो chap01 जो फाइल है उसका नाम चेंज होकर के अब मनोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट में ये शो कर रहा है कि chap01 फाइल हैविंग कंटेंट इज रीनेम्ड विद न्यू नेम मनोज। तो chap01 फाइल जिसमें कुछ लिखा हुआ है वो अब मनोज के नाम से उसका नाम चेंज हो गया है। अब देखते हैं कि मूव कमांड का यूनिक्स में दूसरा क्या यूज है। तो सिंपली एक साथ हम तीन चार पांच टेक्स्ट फाइल को किसी डायरेक्टरी में भेजना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम मूव कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको टाइप करना है एमवी, और उसके बाद जितनी भी फाइल्स को डायरेक्टरी में भेजना है उन सारे फाइल्स का जो है नाम टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया chap01, chap02, chap03, ये तीन टेक्स्ट फाइल्स है, और इन तीनों फाइल्स को मैं एक डायरेक्टरी प्रॉक्स नाम के डायरेक्टरी में भेजना चाहता हूँ। तो इस तरीके से प्रॉक्स लिख करके सिंपली एंटर प्रेस करूँगा तो chap01, chap02, chap03 ये प्रॉक्स नाम के डायरेक्टरी में चली जाएंगी। तो इसको चेक करने के लिए ls कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मूव कमांड के यूज़। अब देखते हैं कि यूनिक्स में मोर कमांड का क्या यूज है। तो टू सी द कंटेंट्स ऑफ द फाइल पेज वाइज, किसी भी फाइल के कंटेंट्स को अगर हमें पेज वाइज देखना है तो उसके लिए यूनिक्स में मोर कमांड को यूज करते हैं। उसके बाद कमांड क्यू इज यूज टू एग्जिट मोर, और हमें मोर कमांड से एग्जिट होना है, बाहर आना है। सिंपली यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है तो उसके लिए हम क्यू प्रेस करेंगे तो मोर कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो मोर कमांड में क्या होता है कि मोर कमांड के साथ हम किसी एक फाइल का नाम टाइप करते हैं तो मोर कमांड क्या करता है, उस फाइल के कंटेंट को एक पेज दिखा करके पॉज हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर ही नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें एफ प्रेस करना होगा, और नेक्स्ट पेज से वापस पिछले पेज में आने के लिए हमें बी प्रेस करना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मोर कमांड से बाहर आ जाए तो उसके लिए सिंपली क्यू प्रेस करेंगे तो मोर कमांड से आप वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कमांड एफ इज यूज टू मूव फॉरवर्ड वन पेज, यानी कि एक पेज आगे जाना है तो एफ को प्रेस करेंगे, एंड कमांड बी इज यूज टू मूव बैक वन पेज, और एक पेज वापस आना है तो उसके लिए बी प्रेस करेंगे। तो ये तो था कि
किसी भी फाइल के कंटेंट्स को हमें देखना है तो मोर कमांड क्या करेगा, एक पेज इंफॉर्मेशन दिखा करके रुक जाएगा और आगे जाने के लिए हम F प्रेस करेंगे और पीछे आने के लिए हम B प्रेस करेंगे। तो ये तो मोर कमांड का एक यूज था। अब इसका दूसरा जो यूज है वो ये है कि मोर कमांड ऑल्सो वर्क्स विद मल्टीपल फाइल्स। मोर कमांड्स मल्टीपल फाइल्स के साथ भी वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है, तो मोर कमांड के साथ लेट सपोज मैंने ए बी सी, हमारे पास तीन फाइल है, तो मैंने मोर कमांड के साथ ए बी सी तीनों फाइल्स के नेम वहां पे टाइप कर दिए और हम चाहते हैं कि बी नाम के फाइल पे हम जाना चाहते हैं, उसके कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो इसी को यहां पर जो है बोला गया है कि मोर कमांड ऑल्सो वर्क्स विद मल्टीपल फाइल्स, यानी कि मोर कमांड के साथ हम मल्टीपल फाइल्स का नाम भी दे सकते हैं। तो मैंने ए बी और सी दिया, तो मुझे बी फाइल को देखना है, तो बी फाइल पर जाने के लिए सिंपली मैं कॉलन एन प्रेस करूंगा तो मैं बी पे चला जाऊंगा। उसके बाद अगेन मैं कॉलन एन प्रेस करूंगा तो मैं सी फाइल के नेम पे चला जाऊंगा और वहां पे जाकर के पेज वाइज इंफॉर्मेशन को मैं देख सकता हूँ। बट सी नाम के फाइल मैं आगे चला गया और सी नाम के फाइल से मुझे बी नाम के फाइल पे आना है, वापस पीछे आना है, तो पीछे आने के लिए कॉलन पी दबाएंगे और पीछे आने के लिए मतलब ए नाम के फाइल पे आने के लिए अगेन कॉलन पी जो है प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से तीन फाइल्स के नाम दिए मैंने, तीनों फाइल्स में आपस में आगे पीछे मूव करने के लिए कॉलन एन और कॉलन पी से हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा, मोर यहाँ पे कह रहा मोर कमांड ऑल्सो वर्क्स विद मल्टीपल फाइल्स, ये मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करता है, एंड कमांड कॉलन एन इज यूज फॉर स्विचिंग टू द नेक्स्ट फाइल, अगले फाइल पे जाने के लिए कॉलन एन प्रेस करते हैं, एंड कॉलन पी फॉर स्विचिंग टू द प्रीवियस फाइल, और पिछले फाइल पे आने के लिए कॉलन पी प्रेस करते हैं। तो आइए इसका देख लेते हैं कि यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे मोर कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपको कमांड का नाम टाइप करना है मोर, और उसके बाद जिस भी फाइल का कंटेंट देखना है उस फाइल का नाम लिखना है। तो चैप 01 ये मेरे फाइल का नाम है, इस पर हम एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, एक पेज इंफॉर्मेशन दिखा करके चैप 01 का जो फाइल है उसमें जो भी लिखा हुआ है उसका एक पेज दिखा करके ये रुक जाएगा, और रुकने के बाद हमें दूसरा पेज देखना है तो उसके लिए सिंपली F प्रेस करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे, फिर F प्रेस करेंगे तो तीसरे पेज पे चले जाएंगे, फिर F को प्रेस करेंगे तो चौथे पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से F को प्रेस करते रहेंगे और जितने भी पेज है पेज के लास्ट तक चले जाएंगे। बट हमें लास्ट पेज से या आगे से फिर हमें पीछे आना है तो सिंपली B प्रेस करेंगे तो पीछे आ जाएंगे, फिर B प्रेस करेंगे तो फिर पीछे आ जाएंगे। तो ये तो था पेज वाइज इंफॉर्मेशन देखने का तरीका। अब जो है लेट सपोज मैंने तीन फाइल का नाम दे दिया मोर कमांड के साथ, चैप 01, चैप 02, चैप 03। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर क्या है कि मल्टीपल फाइल्स है, तो मैं चाहता हूं चैप 02 के फाइल्स के कंटेंट्स को देखना चाहता हूं, तो चैप 02 वाले फाइल पे आने के लिए मुझे कॉलन एन प्रेस करना पड़ेगा, तो चैप 02 वाले फाइल पे आ जाऊंगा, और कॉलन फिर से एन प्रेस करूंगा तो चैप 03 वाले फाइल पे आ जाऊंगा, और फिर यहाँ चैप 03 से मुझे चैप 02 पे आना है तो फिर मुझे कॉलन पी प्रेस करना पड़ेगा प्रीवियस फाइल में आने के लिए, फिर कॉलन पी को मैं प्रेस करूंगा तो फिर इसके प्रीवियस फाइल में आ जाऊंगा चैप 01। तो इस तरीके से मोर कमांड के साथ मल्टीपल फाइल्स का नाम दे करके कॉलन एन से आगे और कॉलन पी से हम पीछे फाइल्स में आगे और पीछे आ और जा सकते हैं, और उसके बाद जिस फाइल्स को हम पेज वाइज देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो मल्टीपल फाइल्स आर देयर एंड ईच हैविंग ओन कंटेंट्स, सो इन ऑर्डर टू सी कंटेंट्स यूज एफ एंड बी कमांड
टू गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल फाइल्स है और हर फाइल के पास अपना कंटेंट्स है, तो किसी भी फाइल पर जा करके हम जो है F को प्रेस करेंगे तो उसी फाइल के पेज पेज पर अगले पेज पे जाने के लिए F प्रेस करेंगे और उसी फाइल के पिछले पेज पर आने के लिए B प्रेस करेंगे और हमें दूसरे फाइल पे ही जाना है तो उसके लिए कॉलन N और दूसरे फाइल से पिछले फाइल पे आना है तो कॉलन P प्रेस करेंगे। तो ये था मोर कमांड का यूज। अब देखते हैं कि फाइल कमांड का क्या यूज है। तो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट कमांड है, तो समझते हैं फाइल कमांड। तो फाइल कमांड इज यूज टू नो द फाइल टाइप। तो किसी भी फाइल के टाइप को जानना है तो उसके लिए फाइल कमांड का यूज करते हैं। तो टाइप का यहां पर मतलब ये है कि वो फाइल प्लेन टेक्स्ट फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, या फिर कंप्रेस्ड फाइल है, पीडीएफ की फाइल है, या फिर वो एम्प्टी फाइल है। तो सिंपली फाइल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के टाइप करना है फाइल, और फाइल को टाइप करने के बाद हमें कोई भी इसके बाद एक फाइल का नाम लिखना है तो ये हमें शो करेगा, बताएगा कि वो फाइल कौन सी फाइल है, उस फाइल का टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ फाइल कमांड के बाद मैंने एक फाइल का नाम लिखा archive.zip और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ आउटपुट में हमारे पास आया है archive.zip और दूसरा आया यहाँ पे zip archive। तो इन दोनों का क्या मतलब है? तो archive.zip जो है ये तो फाइल का नाम है, जो भी फाइल आपने लिखा है उस फाइल का नाम है, और इस फाइल की टाइप क्या है तो फाइल का जो इस archive.zip फाइल का जो टाइप है वो zip archive है, मतलब ये एक archive फाइल है। तो इस तरीके से फाइल कमांड से हम किसी भी फाइल के टाइप को जान सकते हैं। तो ये रिजल्ट में आउटपुट में उस फाइल का नाम भी शो करेगा और कौन से टाइप की वो फाइल है वो भी बताएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई है, जितने भी डायरेक्टरी पड़े हुए हैं, वो फाइल और वो डायरेक्टरी के टाइप को जानना है हमें। तो सिंपली यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाकर के फाइल टाइप करना है और उसके बाद एस्ट्रिक लगाना है स्पेस के बाद और एंटर प्रेस करनी है। तो ये क्या करेगा? शो करेगा ऑल फाइल्स, सारे फाइल्स को शो करेगा उसके टाइप के साथ, और वो बताएगा कि कौन सी फाइल एम्प्टी है, कौन सी फाइल टेक्स्ट फाइल है, और कौन सी फाइल डायरेक्टरी फाइल है। तो इस तरीके से टेक्स्ट फाइल, डायरेक्टरी फाइल, और जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, एम्प्टी फाइल, इन सारे टाइप को जानने के लिए कि वो फाइल इनमें से कौन से टाइप की है, तो हम यूनिक्स में फाइल कमांड को यूज करते हैं। तो बेसिकली आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, बाकी के कमांड्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।